हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स स्पार्क गो की, जिसमें लगा हुआ है पैटर्न लॉक। देख सकते हैं इसमें जो भी कोड डालने हैं वो खुल नहीं रहा है, तो इसे सबसे पहले आपको पावर ऑफ कर लेना है। तो इसे कैसे खोलते हैं और इसमें जो FRP लॉक होता है उसे कैसे रिमूव करते हैं, तो देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको पैटर्न लॉक तोड़ने के लिए ऑन ऑफ वाला बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन, दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी रिकवरी सेटिंग आ जाएगी। देख सकते हैं दोनों बट आपको एक साथ दबाने हैं दोनों बटन, और आपको फिर वॉल्यूम डाउन से आना है 5वें नंबर पे, वाइप डाटा फेस्ट और रिसेट पे लाके ऑन ऑफ वाला बटन से यस कर देना है नीचे लाके। ओके, जो इसमें हमारा पैटर्न लॉक था वो अब बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। फिर एक बार रिबूट कर देना है। और देखते हैं हमारा फ़ोन जो है खुलने वाला है दोस्तों। हाँ, अगर आपका फ़ोन आईडी मांगता है तो आईडी रिमूव करना हम इसमें बताएंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो मिस ना करें, वीडियो देखते रहें। और दोस्तों, आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपका फ़ोन सही हो जाए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें हमारा फ़ोन सही हुआ या नहीं हुआ। और अगर दोस्तों आपका फ़ोन सही हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन जो है अभी स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा इसका वेट कर लेता हूँ, फ़ोन जो हमने डिसाइड मारा थोड़ा टाइम लेता है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल ओके खुल चुका है। आपको स्टार्ट करना है, फिर स्किप करना है दोस्तों। यहाँ आपको वाईफाई से इसे कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी इसमें जो है ईमेल आईडी मांगेगा। अगर वो आईडी हमें पता होगा तो फ़ोन हमारा खुल जाएगा, वरना हमारा फ़ोन नहीं खुलेगा। तो इस आईडी को भी कैसे रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे वाईफाई से कनेक्ट करना है। वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं और इसे आपको अब बैक करके अब इसे आगे बढ़ लेते हैं। बैक करना है, फिर आपको स्किप करना है सेटअप नाउ। देख सकते हैं चेक इन इन्फो हो रहा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फिर पैटर्न ब्लॉक मांग रहा है। अगर पैटर्न अगर यहाँ डाल देंगे तो फ़ोन हमारा खुल जाएगा, हमें पैटर्न पता नहीं है। तो देख सकते हैं रॉन्ग पैटर्न, नीचे हम गूगल आईडी यानी कि गूगल आईडी होगी तो फ़ोन हमारा इससे भी खुल जाएगा। हमें दोनों में से कोई चीज़ नहीं पता है, तो अब पैटर्न लॉक तो हमने तोड़ दिया, फिर भी मांग रहा है, तो अब इसकी ईमेल आईडी हमें हटानी पड़ेगी। तो ईमेल आईडी हटाने के लिए देख सकते हैं दिस डिवाइस वाज रिसेट, जो इसमें आईडी पहले पड़ी हुई थी, अगर वो आईडी डालेंगे तो फ़ोन खुल जाएगा, वरना वाला फ़ोन नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले आपको अब बैक आना है, वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपको बैक आना है और जाना है आपको इमरजेंसी कॉल पे। यहाँ जाने के बाद आपको इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पे दो बार ओके करना है। देख सकते हैं दो बार ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इधर पेंसिल का ऑप्शन आ चुका है, इस पर करना है आपको बिना ऐड कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ अलाउ कर देना है। फिर देख सकते हैं इधर नीचे परमिशन, तो आपको एक बार और ऐड कॉन्टैक्ट पर जाना है। और यहाँ देख सकते हैं माइक्रोमैक्स केयर का नंबर यहाँ आने वाला है अभी। देख सकते हैं मैं दोबारा कर लेता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट। देख सकते हैं माइक्रोमैक्स केयर का नंबर आ चुका है। फिर आपको इस पे एक बार ओके करना है, फिर आपको यहाँ ओके करना है, फिर आपको देख सकते हैं इधर जो बिंदु आ रहे हैं ये, इस पे ओके करना है। आपको शेयर पे जाना है, शेयर तो देख सकते हैं। शेयर पे जाने के बाद आपको जाना है जीमेल आईडी पे। देख सकते हैं जीमेल पे हम आ चुके हैं, यहाँ स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद ऐड एंड न्यू ईमेल एड्रेस पर जाने के बाद आपको नीचे दूसरे नंबर पे एक्सचेंज ईमेल आईडी पर जाना है। आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी जो भी है आपको याद अपनी ईमेल आईडी डालनी है, या नहीं है तो आप बना लें पहले, फिर आपको यहाँ डालनी है ईमेल आईडी और पासवर्ड। यहाँ आप कोई सी भी डाल सकते हैं, वो नहीं जो आप वहाँ तो पता नहीं हमें वो क्या थी। यहाँ आप कोई सी भी अपनी डालनी ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल के आपको ओके कर लेना है। देख सकते हैं नेक्स्ट, मैं यहाँ पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डाल के भी आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर सेलेक्ट का ऑप्शन। देख सकते हैं सेलेक्ट, तो आपको इस पर एक बार ओके करना है। और यहाँ जाने के बाद आपको पैटर्न पर जाना है और यस कर देना है। यहाँ जाने के बाद अब आप पैटर्न कोई सा भी रख सकते हैं दोस्तों। मैंने रख लिया पैटर्न, एक बार वो कन्फर्म कर देना है ये वाला पैटर्न। बस बस इतना काम करना है दोस्तों आपको। अब बैक आ जाना है, बैक आ जाना है सब जगह से। तो हमारा जो है जहाँ पैटर्न मांग रहा था, अब जो हमने डाला है पैटर्न, ये लोग डाल देंगे और हमारा फ़ोन बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अपना फ़ोन इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सही, आपका फ़ोन 100% सही हो जाएगा।
देख सकते हैं। अब यहाँ आपको पैटर्न वही डालना है जो हमने डाला था, देख सकते हैं ये, और हमारा फ़ोन जब बिल्कुल खुल जाएगा। अब देख सकते हैं आईडी नहीं मांगने का, स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं स्किप का आ चुका है, बस स्किप आपको कर देना है। देख सकते हैं नेक्स्ट 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 मैं कर लेता हूँ इसे, नो थैंक्स, इसे नेक्स्ट। और देख सकते हैं हमारे दोस्तों फ़ोन खुल चुका है बिल्कुल ओके। बस दोस्तों आपको अपना पेटेंट और FRP लोग इसी तरीके से आपको हटाना है। देख सकते हैं मैं इसका वर्जन दिखाया था, तो मॉडल नंबर भी देख सकते हैं आप इसका, 8.1.0 इसका एंड्रॉयड वर्जन है। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन बिल्कुल सही कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका फ़ोन सही होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।